So hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Vaibhav Sitar here. So today we are going to assign IT Warangal for document verification. So अभी आज हमारा document verification है for MCA as well as स्वीटे के भी जितने students हैं उनके भी document verification है. जो venue हमें दिया गया है as a email वो है अम्बेडकर लर्निंग सेंटर, जहाँ पर जाने के बाद वहाँ अपना फिजिकल रिपोर्टिंग देना है. उसके साथ साथ हमें वहाँ से वेन्यू बताया जाएगा और कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि हमें कहाँ जाके फिजिकल रिपोर्टिंग के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है. आफ्टर डैट हमें हॉस्टल अलॉट किया जाएगा. तो गाइस चलो अब चलते हैं NIT वारंगल में और देखते हैं. थोड़ा सा होता है कैंपस टूर भी करेंगे आज और उसके साथ साथ देखेंगे कि हमें आज क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता कहाँ. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. लोग जो फाइनली NIT वारंगल आ चुके हैं मेन गेट पे. तो देखो यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे. सो गाइज दिस इज़ अ मेन गेट ऑफ NIT वारंगल. सो दिस इज अ एंट्री एज वेल. तो अभी हम धीरे धीरे अंदर जाएंगे और देखेंगे अंदर हो क्या रहा है. वैसे दिस इज़ अ मेन गेट और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे गार्ड्स भी हैं. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है. तो चलो अब अंदर चलते हैं और देखते हैं आगे हमें कहाँ बुलाया गया. जैसे NITW दिख रहा है, देख सकते हो. So guys, this is a guest house of NIT Warangal. So if you have any parents, like अगर तुम्हारे घर से तुम्हारे parents की तरफ से कोई भी आते हैं तो तुम यहाँ पे सोने रख सकते हो with minimal charges. I think some terms and conditions are also there. So उसके साथ साथ तुम सीन से बात करके और पहले ही बुक कर सकते हो उनके लिए और वो यहाँ पे आके रह सकते हो. अभी हम बेसिकली होता है मेन गेट से भी जा रहे हैं हमें यूनिवर्सिटी की तरफ. और अगर मैं बता दूँ कि मेन गेट से यूनिवर्सिटी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो लगभग होता है कि 500 मीटर होगा यहाँ से. तो मतलब दूर है, एक्चुअली में दूर है. अगर मैं ये बोलूँ तो यहाँ से दूर तो है. तो उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर हमें जो फिजिकल रिपोर्टिंग करना है, तो वहाँ पर चलते हैं और बताते हैं वहाँ क्या होता है. ठीक है. तो यहाँ से NIT वारंगल और यहाँ से इन्होंने एरोप्लेन भी पूरा लगा दिया. वैसे रात वाला ब्लॉक में देखा होगा, ये दिन वाला ब्लॉक है. वैसे सामने से यूनिवर्सिटी दिख रही है NITW की. देखो ग्रीनरी कितना है यार, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है. तो अभी हम जा रहे हैं अम्बेडकर लर्निंग सेंटर की तरफ. सो वहाँ पे आज बहुत सारे ब्रांच के स्टूडेंट आएंगे, लाइक बीटेक के जितने भी ब्रांच होते हैं, जैसे CS ब्रांच के साथ जितने भी ब्रांचेस होंगे वो भी आएंगे. उसके साथ साथ MCA के भी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन और फिजिकल रिपोर्टिंग. सो यहाँ से देख सकते हैं कॉलेज कितना सही दिख रहा है. एंड आई थिंक सामने ही अम्बेडकर लर्निंग सेंटर है, तो वहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ पे एक्चुअली वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम. और यहाँ पे एक मॉल है जो NIT वारंगल का मॉल है, जो अभी ये बंद है. और अभी जो ये जो हमारे जो अभी लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये सेंट्रल लाइब्रेरी. बेसिकली फिजिकल रिपोर्टिंग हो रहा है ये ऑडिटोरियम है. वैसे CS और MCA के लिए सामने देख लो, सामने होता है UC के लिए हो रहा है एंड BTech MSc के लिए हो रहा है. तो देख लो यहाँ पे. ये देखो यहाँ से BTech, MTech, Mechanical and Civil Engineering. I request all the candidates or the students to report in the Ambedkar Learning Center, which is adjacent to this, whereas the parents can stay here. Students, please report there in the auditorium, that is Ambedkar Learning Center,
with all your credentials, that is certificates and the other documents, parents can stay here. बेसिकली इधर पी जी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं लाइक एम सी ए इधर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए जा रहे हैं। मेन यूनिवर्सिटी टाइप लाइक सी द ग्रेट टाइप एंड दिस इज अ मेन यूनिवर्सिटी ऑफ एक्स एन आई टी वारंगल, दिस इज अ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ये है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईसीटी एकेडमी ब्रांच इधर है और यहाँ पे मैं सामने जा रहा हूँ। वैसे ये है कंप्यूटर साइंस। ओके, देखने में कुछ ऐसा लग रहा होगा बट एक्चुअली मैं कंप्यूटर साइंस और यहाँ पे एमसीए वाले की क्लासेस होती है। तो ये देख लो, यही ब्रांच है जहाँ से 65 लाख 70 लाख के पैकेज लगते हैं। तो ये थोड़ा पुराना है बट स्टिल सही है। तो अभी हम जा रहे हैं प्रिंट के लिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट अभी देखने को मिलेगा तो दिखाता हूँ। मौसम की बात करूँ ना तो अभी मौसम थोड़ा गर्म है यार। अभी मैं जा रहा प्रिंट के लिए। जैसे होता है कि पीजी वाला का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। एक्चुअली मेरे भाई का एक वेरिफिकेशन छूट गया था, देख रहे हो पूरा जंगल ही, तो मैं उसको एक डॉक्यूमेंट देने आया हूँ। एक्चुअली मैं उसने कुछ होता प्रिंट नहीं करवाया था। तो यहाँ से देख लो पूरा जंगल है, अनार वनार का होता है, फल वल का पेड़ है। तो चलते हैं उसको डॉक्यूमेंट देते हैं, फिर वेट करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कब होता है। ठीक है तो चलो। ये है NIT वारंगल मेन कैंपस राइट, दिस इज़ ए यूनिवर्सिटी। और देखो कितना सही लग रहा है ना यहाँ से, देखो ये भी बहुत सही लग रहा है यार। तो चलो जल्दी से चलते हैं अगेन प्रिंटिंग की दुकान पर। फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ लाइक उसको जो फीस था ना, उसने जो फीस दिया हुआ था उसका भी चाहिए था कॉपी। तो मैं जल्दी से आ गया हूँ, उसको जाके देना पड़ेगा ये कॉपी। और जल्दी से चलते हैं, अभी भी मतलब बहुत स्टूडेंट आ रहे हैं, जल्दी जल्दी फिर से पहुँचते हैं BA अम्बेडकर सेमिनार हॉल में और देखते हैं उसको डॉक्यूमेंट देते हैं। भी यहाँ पे हो रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर लर्निंग सेंटर फाइनेंस। अभी हॉस्टल आउट हो गया, वहाँ चलते हैं। दिस इज मेन बिल्डिंग। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, सो हॉस्टल का भी वेरिफिकेशन हो चुका है। यहाँ पे देखो सामने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। और ये है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, लाइक इधर आपको ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस के लोग देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेन बिल्डिंग में, ये पार्ट पूरा ह्यूमैनिटी का है। इधर से हाँ, बहुत अच्छा व्यू। और इधर से अब हम लोग जा रहे हैं कि NIT वारंगल का जो बैक एंड है ना, जो मेन बिल्डिंग उसको देखेंगे। तो यहाँ से देखो NIT वारंगल, ये है स्पोर्ट्स वगैरह। तो अब अंदर चलते हैं। तो गाइस ये देखो, ये क्लासेस है, यहाँ से देख रहे हैं ये क्लासेस है। हाँ तो गाइस ये है बैक एंड एक्चुअली में। और ये देखो सामने से, जैसा कि आप देखते रहते हो हमेशा कि ये एकेडमिक जो बिल्डिंग है, तो ये बीच का इसका लॉन है, लाउज है, आप यहाँ पे आके घूम सकते हो। और ये देखो यहाँ से आपका एक होता है लॉन है जाने का, आप यहाँ से आराम से जा सकते हो। बट यहाँ पे अभी ज़्यादा क्राउड नहीं रहती है वैसे, बट ये देखो पर कितना अच्छा स्ट्रक्चर है यहाँ पर लाइक। और यहाँ की सबसे अच्छी बात है यहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छी है राइट, ग्रीनरी बहुत अच्छी रहती है। तो अभी हम लोग आगे और देखेंगे आगे कौन सा डिपार्टमेंट, आगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल वो इधर है। अच्छा सा स्ट्रक्चर, पता नहीं आगे क्या है बट चलो चलते हैं। देखो यहाँ पे एकदम हर तरफ जंगल है यार, कभी भी सांप वाप निकल सकता है ऐसा। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल है यहाँ पे, और यहाँ से दिख रहा होगा डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। मैकेनिकल इंजीनियर लोग का चल रहा है यहाँ पे, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी, तो हम लोग जाने वाले हैं ऐसे, देखो NIT हॉस्टल्स उधर है, बट इससे पहले हम लोग देखेंगे स्पोर्ट्स फैसिलिटी। तो चलो देखते हैं।
यहाँ से भी दिख रहा है, एक हेल्थ सेंटर है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कभी भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो यहाँ पे शायद आपको जो फ्री में से इलाज उलाज अच्छे से सब कर देंगे, सारा फ्री में ही। चलो हाँ, ये सब सारा फ्री में ही इंक्लूड होता है, ये देख सकते। क्या खतरनाक क्लास है भाई। आज फाइनली हॉस्टल अलॉटमेंट हो गया, वो हो गया यहाँ पे, यहाँ पे हो गया यार। मतलब बहुत ज़्यादा ये करने के बाद हॉस्टल अलॉटमेंट हुआ, लग ही नहीं रहा था कि होगा लग रहा है बाहर ही रहना, क्योंकि सो मैनेजमेंट यहाँ की बहुत अच्छी है, लाइक बहुत अच्छी मैनेजमेंट। सो मैं तो यही बोलूँगा कि मतलब सारी काम आराम से हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ एकदम। प्रॉब्लम तो नहीं होगा, अब ठंडा भी रहेगा तो। लेकिन मेन बात अब ये है कि मच्छर का है गाइस, यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा रहता है, तो मच्छर से बच के रहना, अदरवाइज ऐसे डेंगू वेंगू भी हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मच्छर की सारी प्रजातियाँ हैं यहाँ पे, तो मतलब सिर्फ मच्छर से बच के रहना पड़ेगा। देखो देखो ये NIT सामने है, NIT वी रीच एशियाज लार्जेस्ट हॉस्टल। सो ये हॉस्टल है एशिया का लार्जेस्ट हॉस्टल है गाइस, और इसका जो शेप है ना बटरफ्लाई टाइप का है, ठीक है। तो इसमें ये समझ लो कि 1.8K रूम अलॉट हो गया। वारंगल का FC1, 2 and 3 है। प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली हमने लिया बाल्टी, लिया मगा, लिया आ चुका है, तो देखते हैं, हम ट्राई करते हैं खाना है क्या। बात कर रहा था कि जब मैं वहाँ गया था तो ऐसे ही सिंपल सिंपल था, बीच में दो बिल्डिंग 1.8 के हॉस्टल भी दिख रहा है जो सामने है। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, दिस इज़ वैभव सिद्धार्थ हियर। सो NIT वारंगल के दूसरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। सो एक्चुअली मैं दिस इज़ अ 1.8K हॉस्टल, और ये एशिया का सबसे बड़ा हॉस्टल है, मेक श्योर ये रखना, क्योंकि एक्चुअली मैं इसमें 1.8K रूम्स है, एंड इसका जो
जो डिज़ाइन बनाया गया है वो ऊपर से आप देखोगे तो पूरा बटरफ्लाई के शेप में बनाया गया है। तो सबसे पहले हम अंदर चलते हैं और देखते हैं हमारा कौन सा रूम अलॉट हुआ है, उसके हिसाब से हम अपने रूम को शिफ्ट करेंगे। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है जो हमें फॉलो करके अंदर जाना पड़ेगा। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। रूम अलॉट हो गया, इसका रूम देखने चलते हैं वैसे। तो फाइनली हमें एंट्री मिल गई और नीचे से हमने होता है की भी ले ली, एक्चुअली मैं रूम का की ली। बहुत सारे रूम्स हैं बट हमारा जो रूम है ये फर्स्ट फ्लोर पे ही है, सो ज़्यादा हमें ऊपर जाना नहीं पड़ा। एक्चुअली में यहाँ पे बहुत सारे लिफ्ट भी हैं बट दो तीन लिफ्ट तो ऐसे ही बंद पड़े हुए हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के चलते, क्योंकि अभी पूरा हॉस्टल खाली है। तो ये फर्स्ट फ्लोर में हम जा रहे हैं, हमारा रूम जो आई थिंक थर्ड रूम है। बट ये रूम देखो यहाँ पे कितना सही रूम है यार, हार्ड वर्क तो प्रिटी हार्ड। तो ऐसा है तो ऐसे ऐसे रूम में बहुत सारे ये तो स्टार्टिंग है यार, बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना ओपिनियन लिखा अपने रूम में। तो आई थिंक ये रूम है हमारा। तो अंदर आते हैं, देखते हैं रूम का हाल कैसा है। तो ये देख सकते हो जैसा ये हमारा रूम का हाल है, ठीक ही है। लाइक इसे अच्छे से करना पड़ेगा। आई थिंक दो टेबल्स हैं, दो चेयर्स हैं और उसके साथ साथ दो बेड हैं और या और ऊपर भी देख सकते हैं दो फैन भी अलग अलग और दो लाइट्स भी अलग अलग कि अगर आपको रात में ज़्यादा देर तक अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। ये देख सकते हो ड्रॉवर कितना बड़ा है। तो या रूम तो बहुत सही है यार, अब हम एक काम करेंगे, रूम देख लिया अब हम बाहर चल के आते हैं। आई थिंक देखते हैं और भी क्या और भी एक्सप्लोर करते हैं। तो ये देखो एक हमारा रूम के सामने जो हमसे पहले रह रहा था तो उसने कुछ लिखा है, लीव योर शूज आउटसाइड। चलो जो भी था उसने हमारी काम की चीज़ें लिखी है। सो ये रहा हमारा कुछ रूम, ऐसा देख रहे हो दो प्राइवेट लाइट्स दिए हुए हैं और दो फैंस दिए हुए हैं क्योंकि दो लोग इसमें रहेंगे, डबल शेयरिंग है। सो उनके लिए सही है क्योंकि अगर आपको रात में ज़्यादा तक पढ़ना है तो कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसको फिक्स करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से सेटअप करते हैं रूम का, फिर देखते हैं क्या है। तो या ये कोई और रूम है, तो सारे रूम का सेटअप सेम ही है। लाइक जैसे कि मैं जो भी रूम में देख पा रहा हूँ सारे रूम एकदम सेम टू सेम है, इसमें डबल शेयरिंग है। तो चलो आके देखते हैं आगे हो क्या रहा है। और ये मुझे सबसे अच्छा रूम लगा, लाइक ये फर्स्ट रूम है और इसमें अच्छा खासा ओपिनियन भी लोगों ने दिया हुआ है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे भी कई सारे डिज़ाइनिंग्स हैं जो मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। एक्चुअली मैं स्टूडेंट्स वॉल पे ही अच्छे से डिज़ाइन बना दे और NIT में सही में बहुत मज़ा आ गया देख देख के। और पूरा फॉर्मूला वगैरह रूल वूल्स सब लिख दिया है, अलजेब्रा का जितना भी होता है रूल्स वगैरह, सही है यार। तो एक्चुअली में बहुत बड़ा है, तो ये देख सकते हो यहाँ से आप आकर यहाँ चाय वाय भी पी सकते हो, मस्त यहाँ पे बैठ के चिल कर सकते हो, बैठ के नहीं खड़े होके क्योंकि हॉस्टल है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे, अभी तो खाली है पूरा हॉस्टल, तो ये देख सकते हो पूरा खाली। अगर आप आई थिंक गुम हो जाओगे अगर आप पहली बार आओगे तो आप 100% गुम हो जाओगे क्योंकि इसमें इतने सारे रूम्स हैं और इतने सारे जाने का रास्ता है, आप इसमें 100% गुम हो जाओगे। कि इनफैक्ट मैं भी दो तीन बार गुम हो ही गया था। तो चलो अभी देखते हैं वॉशरूम कैसा है। सो ये है आपका वॉशरूम, यहाँ पे आके आप अगर आपको फ्रेश होना है तो हो सकते हो। और ये है वॉशरूम जहाँ पे आके आप ये कर सकते हो। तो देख लो यहाँ पे सब कुछ कितना साफ़ है यार। तो या मेंटेन जो मेंटेन बहुत अच्छे से किया गया है क्योंकि अभी तो कोई स्टूडेंट नहीं था, तो अभी जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ठीक ठाक ही मेंटेन किया गया। और यहाँ से देखो पीछे से दिख रहा है NIT वारंगल का आउटसाइड वॉशरूम, तो आप देख सकते हो कैसा है। अब हम आ चुके हैं रूम में, आप देख सकते हो उस विंडो भी है और उसके साथ साथ मेरे भाई का रूममेट भी आ चुका है। अब हम चलेंगे फूड कोर्ट में, अब जाके देखते हैं वहाँ खाना कैसा है। तो ये है फूड कोर्ट, देख सकते हो कितना भीड़ है यार क्योंकि आज पहला दिन है जिसमें जूनियर्स लोग आए हुए हैं और उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली में टोकन्स मिल रहा है, तो टोकन्स का मतलब यहाँ पे होता है यहाँ पे 70 डेज़ के लिए। तो ये है एंट्रेंस यहाँ से आकर, क्योंकि
आपको आके होता है कि 15 डेज का यहाँ पर होता है, पेमेंट करना पड़ता है। तो ये कुछ बाहर से ऐसा दिख रहा है, फूड कोर्ट ए और बी है, तो यहाँ से देख सकते हो। फूड कोर्ट तो मुझे बहुत सही लगा यार, क्योंकि मैं बेसिकली अपना ये बता रहा हूँ, बहुत बड़ा फूड कोर्ट है। तो चलो अब खाना लेते हैं और देखते हैं आज का पहला खाना का एक्सपीरियंस वैसे है क्या। और ये देख सकते हो आई थिंक 1750 रुपये का बना हुआ है। तो चलो यहाँ बैठते हैं और देखते हैं खाना कैसा है। तो अब लगभग खाना आ चुका है, तो चलो आज जो होता है फूड को भी रिव्यू कर देंगे। तो ये है हमारा कुछ खाना, आज का खाना। सो ये देख सकते हो हम लोग अभी फूड कोर्ट में बैठे हुए हैं, अभी बेसिकली हम लोग खाना ही खा रहे हैं। तो या तो गाइस अभी मैं हूँ NIT वारंगल के फूड कोर्ट में, आपको लग रहा होगा यहाँ पे। तो एक्चुअली में फूड का क्वालिटी अभी तो यही खा रहा है, तो अभी ये बताएगा कि फूड का क्वालिटी है एवरेज है, लाइक एवरेज है। और 15 डेज के बाद आपको होता है कि 725 रुपीज़ का आपको यहाँ से चार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको होता है खाना प्रोवाइड हो जाएगा। तो मतलब यही है NIT वारंगल का फूड कोर्ट FC3 है आई थिंक। गाइस मैं हूँ अभी NIT वारंगल का जो फूड उसके सामने FC1। तो अभी मैं दिखाता हूँ तो कैसा लग रहा है। 18K 1.8K यहाँ पे हॉस्टल है। और यहाँ से देखो यहाँ ये है जो प्राइस बहुत ज़्यादा है। ये है NIT वारंगल का एक मॉल जहाँ से आप ले सकते हो मैट्रेस वगैरह, अच्छी खासी प्राइस में मिल जाती है, थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस से लोग ले लेंगे, बट कोई नहीं। अभी हमने जो होता है कि इसका जो होता है फर्स्ट पार्ट है उसको शूट कर लिया, और मुझे कल तक रहना है तो शायद मैं सारे पार्ट को शूट कर लूँ। सो अब चलो चलते हैं अभी मॉल में जाके इसका सामान मान लेते हैं। तो गाइस तुमने 3D देखा है, उसको मैं दिखाता हूँ 3D में क्या होता है। जब तो बेसिकली हमने लिया बाल्टी, लिया मगा लिया, और अब मैट्रिस वगैरह लेना है। तो जैसे 3D में था ना कि हम लोग होता है कि बाल्टीन और मग्गा लेकर जाते हैं। देखो NIT के अंदर में हम कुछ देर में एंटर करेंगे बाल्टीन और मग्गा के साथ, और उसके बाद वहाँ से मैट्रिस भी लेंगे। देखो कैसा दिया गया है। देखो गाइस देखो NIT में आने का एक्साइटमेंट, लोग पूरा कैमरामैन बन चुके हैं, जितने पेरेंट्स लोग हैं वो सब ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे सब मैट्रेस लेके सब हॉस्टल में जा रहा है। देखो बस मुझे भी ऐसे ही मैट्रेस लेके हॉस्टल में जाना है। देखो ऐसे ही हाथ में बाल्टीन मैट्रेस ऐसा, तो एक्चुअली मैं हमने बाल्टीन ले लिया है। रुको मैं तुमको मैट्रेस दिखाता हूँ। ओके चलो, और ये अपना NIT राइट, NIT वारंगल। तो गाइस अभी हम लोग बैठे हुए हैं NIT वारंगल। देखो जो पीछे का देख लो, पूरा एकदम रेड सा, रेडिश सा मौसम है। देख लो स्काई, देखो पूरा रेड दिख रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत लोग अभी आ रहे हैं, नए नए स्टूडेंट्स, और यहाँ पे लाइक फोटोज़ ले लो, यहाँ फोटोज़ ले रहे हैं NIT वारंगल में। ये सब 200 में आ जाएगा पूरा, साथ में पैकेट दे देंगे या अपन को उठाने पड़ेंगे? उठाने पड़ेंगे।
हम अभी आ चुके हैं रात के खाने के लिए NIT वारंगल फूड कोर्ट। तो अभी मैं दिखाता हूँ, अभी अभी ज़्यादा होता है, भीड़ नहीं है वैसे, बट अभी मैं दिखा रहा हूँ कि NIT वारंगल में रात का खाना पर कैसे मिलता है। यहाँ पे खाना लेके आ चुका है, तो देखते हैं, आप ट्राई करते हैं खाना है कैसा, मतलब देख लो यहाँ से एकदम NIT। तो ये देखो खाना है यहाँ का, ये है डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट्स आ गए राइट, केमिस्ट्री। चलो बात कर रहा था कि जब मैं MIT में था तो ऐसे ही सेम टू सेम था, बीच में दो बिल्डिंग और पीछे इंटरनेशनल हॉस्टल, तो ऐसे ही यहाँ पे भी, रुको मैं दिखाती हूँ, 1.8 के हॉस्टल भी दिख रहा है जो सामने है। और यहाँ पे ये कौन सा डिपार्टमेंट है, मेटलर्जी डिपार्टमेंट सजी में इतना है, ये अपना इंटरनेशनल हॉस्टल है NIT वारंगल का। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड बायोटेक, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, दिस इज वैभव सिद्धार्थी। एस इन दिस वीडियो आई विल शो यू NIT वारंगल स्पोर्ट्स फैसिलिटी। सो इन दिस वीडियो आई विल शो यू स्टेडियम ऑफ NIT वारंगल, एज वेल एज आई विल शो यू हाउ मेनी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आर देर इन NIT वारंगल। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द NIT वारंगल, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो दैन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सो लेट्स सी एस हाउ इट गोस। हे गाइस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, दिस इज वैभव सिद्धार्थी। अगर देखते हैं कैसा है देखने, तो वहाँ पे अगर मान लो कि अगर कुछ भी हो रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है, तो देख लो एक यहाँ पे भी आ देखो। तो ये इंटरनेशनल हॉस्टल, वो यहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी आई थिंक गाइस। ये कौन सा डिपार्टमेंट है, आगे से मैं दिखाती डिपार्टमेंट वही सर डिपार्टमेंट, ये भी बायोटेक है ना, ये सामने वाला बायोटेक है। और यहाँ पे देखो नीचे देखो, हम यहाँ से अभी हम हैं NIT वारंगल में, और अभी हमने बायोटेक डिपार्टमेंट देखा, उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल हॉस्टल देख रहे हैं डाशा, और जैसे कि देख रहे हो ये है बायोटेक्नोलॉजी, और एक दो डिपार्टमेंट का होता है कोलाबरेशन। तो चलो आगे चलते हैं, फिर से घूम के हम स्टेडियम की तरफ चलते हैं। तो गाइज़, ये है NIT वारंगल का इंटरनेशनल हॉस्टल डासा। सो एक्चुअली में ये इंटरनेशनल हॉस्टल सबसे पुराना हॉस्टल है, तो यहाँ पे देख सकते हो, और ये सामने से देखने से कैसे लग रही है। एक्चुअली में यहाँ के जितने भी हॉस्टल्स हैं सबका एक्चुअली स्ट्रक्चर सेम ही है, लाइक आप या तो 1.8 के हॉस्टल देख लो या डासा देख लो, स्ट्रक्चर सेम है, बटरफ्लाई टाइप का बनाया गया। सामने जो दिख रहा है वो 1.8 के हॉस्टल है, जो सबसे बड़ा हॉस्टल है, एशिया की सबसे बड़ी हॉस्टल है। और यहाँ देख सकते हो यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स है, लाइक बायोटेक डिपार्टमेंट, मेटालर्जी डिपार्टमेंट, ये सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो देख रहे हो वो NIT वारंगल के अंदर में आती है। तो लाइक बहुत अच्छा लग रहा है, तो आगे चलते हैं और आगे और भी एक्सप्लोर करते हैं कि आगे क्या क्या होता है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं पूरा स्पोर्ट्स फैसिलिटी ऑफ NIT वारंगल, उसके बाद
हम लोग मेन बिल्डिंग के पास भी जाएंगे, और अभी तो हम लोग हॉस्टल का जो साइड को कवर कर रहे हैं, उसके बाद मेन बिल्डिंग की तरफ जाके और वहाँ पे होता है वीडियो को एंड करेंगे। एक्चुअली में ये जो पीछे वाला पार्ट है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट और एक तीन डिपार्टमेंट का इसमें कोलेबोरेशन है ना, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी तो उधर है तो ये हाँ तो मेटलर्जी है, तो इसमें होता है तीन डिपार्टमेंट है, देख सकते हो बहुत बड़ी बिल्डिंग है। हम लोग एक्चुअली बैक एंड में है और यहाँ पे कुछ जो होता है नए नए शॉप्स खुलने वाले हैं। एक्चुअली में यहाँ पे कुछ हुआ नहीं बट बहुत जल्दी यहाँ पे नए नए होता है शॉप्स खुल जाएंगे। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे और भी होता है कैंपस के कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स बची हुई थी सबके वीडियोस हम होता बना देंगे आज, और वैसे भी आज रात को मैं जाने वाला हूँ तो उससे पहले सब कुछ हो जाए क्लियर तो सही रहेगा। गाइस सो इस वीडियो में मैं जो भी दिखा रहा हूँ आई थिंक आपने अभी तक कभी नहीं दिखा होगा वीडियोस में, तो इतने जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं एसी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथ डिपार्टमेंट, साइंस वगैरह सारे डिपार्टमेंट्स इसी साइड में पीछे यहाँ पे दिख रहा होगा, और अभी हम इधर आए, इधर भी कोई ना कोई होता डिपार्टमेंट आ ही जा रही, आई थिंक आपने कभी नहीं दिखा होगा तो वहीं दिखा रहा हूँ। गाइस ये देख लो यहाँ पे मैथमेटिकल इंजीनियर, बायोटेक्नोलॉजी और यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये देखो यहाँ पे तो शायद जिम यहीं पे होगा आई थिंक यहाँ से स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ यहाँ से देख लो, शायद हम लोग कल इधर ही आए थे, नहीं इधर नहीं आए थे, शायद इसके आगे गए हुए थे बट ये है। तो गाइस यहाँ से दो रास्ता है, एक राइट साइड में जाता है और एक लेफ्ट साइड में जाता है, तो शायद ये है NIT वारंगल का स्टेडियम, हम लोग कल से ही ढूंढ रहे थे कि मिल जाए स्टेडियम, तो क्योंकि यहाँ पे बैठने वाला शेड है ना उस तरीके से स्टेडियम है, तो अभी हम आते हैं स्टेडियम देखते हैं अंदर एंट्री है कि नहीं सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये रहता है, यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स है, तो चलो देखते हैं। बस यहाँ पे भी खेलने के लिए अच्छा खासा ये बनाया गया, वॉलीबॉल वगैरह आप तुम खेल सकते हो, यहाँ पे देखो ATM वगैरह जितने भी है सब कुछ ATMs है, कुछ शॉप्स भी है, जब मैच वगैरह होते होंगे तब यहाँ पे देखे जाते हैं, सामने एकदम स्टेडियम के एकदम सामने बास्केटबॉल यहाँ कोर्ट है। तो चलो आज का है स्पोर्ट्स फैसिलिटी दिखाते हैं यहाँ का स्टेडियम कितना बड़ा है। गाइस तो देख सकते हो यहाँ पे कितना सही दिख रहा है यार, बहुत बड़ा स्टेडियम है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये सब भी है, यहाँ पे आके सब बैठ सकते हो, यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स है और ऊपर से भी लोग आपको देखेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट लोग आएंगे और यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे बीच में फुटबॉल का मैच हो सकता है, क्रिकेट का भी हो सकता है, एथलेटिक आप दौड़ भी सकते हो और उसके साथ साथ वहाँ पे प्रैक्टिस सेशन भी हो सकता है। तो वहाँ पे अगर मान लो कि अगर कुछ भी हो रहा है लाइक एनुअल फंक्शन होता है या एनुअल एथलेटिक डे होता है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे दौड़ने का बनाया गया, आप आके दौड़ सकते हो, आप जितने भी मीटर का दौड़ना है आप यहाँ दौड़ सकते हो, तो इस साइड में पूरा दौड़ने का है, बीच में क्रिकेट, उसके बाद फुटबॉल, और देखो लाइट की भी एकदम मस्त व्यवस्था है, तो या सही है यार। तो चलो हम अंदर जा रहे हैं बास्केटबॉल
बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर, तो आते ही होंगे शाम को खेलने आते ही होंगे जैसा कि देख के लग रहा है। तो मतलब ये है बास्केटबॉल कोर्ट, देखो दो भी है, सो उधर भी होगा, मतलब अभी हम लोग बता नहीं सकते कितने हैं बट है, तो मतलब इधर भी ये है बास्केटबॉल कोर्ट यहाँ का, ये IIT वारंगल सामने ही स्टेडियम है, ऐसे देख लो एक यहाँ पे भी है, बहुत मतलब ग्रीनरी है बहुत ज़्यादा, ऐसे इतना है कि मज़ा आ जाएगा यहाँ पे। तो अब चलो यहाँ से चलते निकलते हैं। देखो नेशनल स्पोर्ट्स डे भी यहाँ पे मनाया जाता है, बहुत सही है बहुत सही। ये स्टेडियम IIT वारंगल का, ये एक लोगो है ऊपर IIT वारंगल के स्टेडियम का, तो ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। इसे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो अभी चलते हैं इसके अंदर देखते हैं क्या है भाई इसके अंदर में, क्या क्या है फिजिकल एजुकेशन के अंदर में। देख लो यहाँ पे कितने सारे स्पोर्ट्स, ये सारे फोटोज लगाए गए हैं इन्होंने जितना भी विन करा है उसके लिए। अब हम आते हैं, ये इंडोर है ना, इंडोर है तो यहाँ पे, ये देख लो तो गाइस यहाँ पे इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे आके आप ये कर सकते हो, मस्त है ना, जब लाइट जलता हो तो और भी अच्छा दिखता होगा। और यहाँ पे बोर्ड्स लगाए गए कि गिरने के बाद भी चोट नहीं लगे, जो ओलंपिक्स वगैरह में जो लगता है वो बहुत अच्छा। चलो और यहाँ से देखो, यहाँ से जैसे जंगल 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 के हर तरफ जंगल है, तो अब चलो चलते हैं। IIT वारंगल का मेन बिल्डिंग एक यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ मेन बिल्डिंग है और यहाँ पे देखो सामने ही सेंट्रल लाइब्रेरी है, तो कुछ देर में सेंट्रल लाइब्रेरी को भी आपको दिखाएंगे। और इधर देखो यहाँ से सेंट्रल लाइब्रेरी की तरफ, ये है सेंट्रल लाइब्रेरी। एक्चुअली मैं अंदर थोड़ा इन करके देखते हैं कैसा है, देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। तो यहाँ से ये लोग सामने से कैसा दिखा, हॉस्टल्स भी आ रहे हैं यहाँ पे, सेंट्रल लाइब्रेरी है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Vaibhav Siddharthi and this blog is all about NIT Warangal blog. In this blog, I will show you all the departments of NIT Warangal and all the clips as well. So I hope you like this blog. So if you like this blog, then please like, subscribe and share.
and so hopefully yes, I will show you so all the hostels and campus as well. And this is a part of the series of the NIT Warangal. In this series, yes, I will show you hostels blog, campus tour, library tour, main campus tour, university tour. So in this video, yes, I will show you all the tours. So if you like this video, then please like, subscribe, and share. So let's see how it goes. सो गाइज उधर है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड साइंस. तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने. यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है NIT वारंगल. गाइज हमारे पीछे NIT वारंगल. तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिर हॉस्टल में. और मेस ऑफ NIT वारंगल मेस के तरफ. तो मेस के तरफ देखते हैं. ये मेस आई थिंक बी है और एक और भी है, मेस ए भी है. कितने मेस है इसके अंदर? ये है मेस एक्चुअली NIT वारंगल का. हाँ, तो अभी जल्दी चलते हैं मेस में. वहाँ पे हॉस्टल 1.8 के वाला हॉस्टल. ओ गाइस, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? आगे से मैं दिखाता हूँ ये कौन सा डिपार्टमेंट है. लाइक बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है. लाइक NIT वारंगल का जब इस पार्ट में आते हो ना, तो लगता है कि तुम कोई विदेश वगैरह में आ गए हो. ऐसी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है. ऐसी है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. एंड अब आगे चलते हैं. आगे ये कौन सा डिपार्टमेंट? ये भी बायोटेक है ना. ये सामने वाला बायोटेक है. और यहाँ पे देखो नीचे एक हम जो पार्किंग का सामान हो गया ना. और यहाँ से देखो अभी मेंटेनेंस चल रहा है. यहाँ देखो कुछ ऐसा दिख रहा है. यहाँ से ये है बायोटेक. और बीच में अगर गाड़ी वाली पार्किंग वगैरह कर सकते हो. मुझे इन दोनों बिल्डिंग के लिए अच्छा खासा फंड मिला हुआ इन लोगों को. अदरवाइज सीधे आने के बाद लगता है कि हाँ कि तुम NIT में हो. अदरवाइज तुम उधर रहो तो सारा जो पुराना बिल्डिंग अभी मेंटेनेंस चल रहा है इधर. और अभी आगे चलते हैं, थोड़ा आगे आपको दिखा देते हैं बायोटेक डिपार्टमेंट है जो. देखो मेरे पीछे देखो. और इधर इसके भी नीचे यही है. इसके नीचे अगर मैं बात करूँ तो इस पार्किंग है. और अब आते हैं बायोटेक डिपार्टमेंट में. तो अभी हम जो पहुँचे हैं बायोटेक डिपार्टमेंट, आप ऐसे ही दिखाते हैं कैसा है. बहुत बड़ा है. सो अदरवाइज आगे तो पूरा जंगल ही है देख लो. और ये पीछे इंटरनेशनल हॉस्टल है. ओके, परफेक्ट. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Babu Siddharth here, and this video is all about a hostel blog. And this in this video, I gonna show you as NIT Warangal 1.8K hostel. Actually, this is my brother's room, so I will show you rooms how as 1.8K hostels looks like internals look like as a room as well. And I will also show you outdoor shoot as well. So how lobbies looks like and how parkings look like of the 1.8K hostels. So be ready for that. So firstly, I will show you my room. How I settle all the rooms here. So let's see how it goes. I will show you my room as well. Right. Just start. So hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Babu Siddharth here, and this blog is all about NIT Warangal blog. So in this blog, I will show you so all the hostels and campus as well. And this is a part of the series of the NIT Warangal. In this series, I will show you hostels blog, campus tour, library tour, main campus tour, university tour. So in this video, I will show you all the tours. So if you like this video, then please like, subscribe, and share. So let's see how it goes.
Hey guys, so अभी मैं दिखाने वाला हूँ मोर डिस्क्रिप्शन में NIT वारंगल का 1.8K प्रीमियम हॉस्टल। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ, देखो अभी बहुत सारे रूम वैसे भी जो खुले हुए हैं, तो ये देख सकते हो ये हॉस्टल एक्चुअली में। तो अभी मैं होता बैक कैमरा से आपको दिखाता हूँ हॉस्टल कैसे देखने में लग रही है, यहाँ पर वेंटिलेशन कैसा है, सब कुछ मैं दिखा दूँगा। ठीक है, राइट, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो यहाँ पे एक ड्रॉर मिल जाएगा तुमको, यहाँ पे भी एक यहाँ कुछ रख सकते हो, बाल्टीन वगैरह जो भी है। एक बेड इस साइड में रहेगी, एक बेड इस साइड में रहेगी, ऐसा ऐसा दो टेबल रहेगा, बट अभी शायद यहाँ से नहीं है वो टेबल, मेंटेन करेंगे। और यहाँ पे तुम्हारे लिए अलग ड्रॉर रहेगा, तो मतलब डबल शेयरिंग के लिए रूम ही यहाँ बनाया गया वैसे। So hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Faro Siddharth here. And in this video, I want to show you NIT Warangal 1.8K hostel. This is the Asia's largest hostel. It is really big. I think as in this building, there's 1800 rooms are there. सो गाइस, सबसे पहले मैं अपने रूम को ओपन करता हूँ और उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि मेरा रूम कैसे है। एक्चुअली दिस इज़ लॉबी, सो इट्स माय रूम, सो अभी दिखाता हूँ। तो रूम ओपन करते ही आपको दो सेक्शन दिखेगा। फर्स्ट सेक्शन में वन बेड, वन टेबल और वन ड्रॉअर मिलेगा। वैसे ही सेकेंड सेक्शन में वन बेड और वन ड्रॉअर, वन टेबल और वन चेयर मिलेगा। ये एक्चुअली में टू शेयरिंग है। इसके साथ साथ आपका जो लाइट है तो जो होता है वो भी प्राइवेट लाइट और प्राइवेट फैन भी मिलेगा। लाइक सो यहाँ पे दो स्पेस होगा, एक पूरा पार्टी को लिए स्पेस होता है तुम्हारे लिए होगा और एक तुम्हारे रूममेट्स के लिए होगा। ठीक है, तो इसमें ये है कि तुम्हें एक साइड में पूरा ड्रॉअर मिल जाएगा, यहाँ पे तुम अपना स्टब्स रख सकते हो, शूज़ वगैरह नीचे रख सकते हो, ऊपर वगैरह से वो बकेट वगैरह रख सकते हो। एक टेबल दिया गया है और एक बेड है, और बेड के ऊपर ये है तुम्हें जो फ़ैन मिलेगा और तुम्हारा ये एक लाइट मिलेगा। ठीक है, ऐसे अपने फ़ैन को बंद कर सकते हो, लाइट को भी बंद कर सकते हो और सो भी सकते हो। एक लाइट इधर भी है, तो सो इधर के लोग के लिए तो सेपरेट है, यहाँ के लिए सेपरेट है। तो एक साइड यहाँ पे देखो, तो रूम बहुत बड़ा है एक्चुअली में, रूम बड़ा है। यहाँ पे ड्रॉअर है, यहाँ से तुम देख सकते हो, यहाँ से तो रूम बहुत अच्छा है। वॉशरूम की बात करूँ तो वॉशरूम में अगर मैं रेशियो बता दूँ ना, तो सबसे पहले बताते हैं कि एक रूम में कितने लोग रहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 2 is 24, 24 into 2, 48 स्टूडेंट रहेंगे इस लॉबी में। ओके, और उनके लिए होता है दो वॉशरूम बनाया गया है, जिसमें आई थिंक चार पांच दो वॉशरूम है, तो शायद दिक्कत हो सकता है 48 लोगों को, सिर्फ सामने जो वॉशरूम है वहाँ पे यूज़ करना है उन लोगों को। तो गाइज़, अभी मैं होता है वॉशरूम का टूर देने वाला हूँ। 48 लोगों के लिए यहाँ पे 6 बेसिंग है, जहाँ पे आके आप फ्रेश हो सकते हो सुबह सुबह और उधर नहा भी सकते हो। और इधर है लैटरिंग्स है, तो आप यहाँ पे 6 इस साइड में है और दो वॉशरूम भी है इधर, और उस साइड में भी 6 है, तो और दो वॉशरूम है, तो उस हिसाब से 6 जो 12 आपके लिए वॉशरूम हो गए, और नहाने के लिए भी लगभग 4, 5, 6 वॉशरूम्स हैं। सो हाँ, अगर 48 लोगों के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा कंजेस्टेड होगा, बट या यही है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जैसे आप अगर रूम में आओगे तो देख सकते हो, थोड़ा सा जो फर्श वर्श को भी होता सही किया गया, रिपेयर किया गया। और यहाँ पर स्टूडेंट्स की यहाँ पे कलाकारी भी देख सकते हो, सब बहुत टैलेंटेड थे पढ़ने के साथ साथ। यहाँ पे कुछ ना कुछ उन्होंने होता लिख के रखा, बहुत फनी फनी चीज़ लिख के रखा हुआ है। यहाँ से देखो, यहाँ पे आप उस साइड में जा सकते हो, उस साइड में सब बहुत बड़ा एक्चुअली में, बहुत बड़ा, तुम इसमें गुम हो जाओगे, इतना बड़ा ये 1.8K हॉस्टल है। क्योंकि ये एक्चुअली में एशिया का लार्जेस्ट हॉस्टल है, राइट, तो कहीं ना कहीं इसमें आप सोच ही सकते हो, अगर एशिया का लार्जेस्ट हॉस्टल होगा तो मतलब तुम स्पेस देख सकते हो कितना ज़्यादा है, तो इसीलिए तुम इसमें गुम भी हो सकते हो। मैं तो एक दो बार होता आके गुम भी हो गया। यहाँ से देखो, एकदम मस्त सा दिख रहा है, इधर से एकदम अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है इन्होंने, तो यही है। चलो तो गाइज, अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर से 9th फ्लोर पे, और ऊपर से देखते हैं व्यू कैसा दिखता है, लाइक तो कैसा देखने में लगता है। तो चलो अभी लिफ्ट लेते हैं और चलते हैं ऊपर। और यहाँ पे ये देख लेना, यहाँ पे जितने भी ऑड फ्लोर्स हैं वहीं पे लिफ्ट रुकता है। अगर एक्चुअली में मैं होता है कि फ्लोर 1 में हूँ, तो एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं लिफ्ट नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं लिफ्ट लेता हूँ तो फ्लोर 3 पे जाकर रुकता है उस हिसाब से।
अभी मैं फ्लोर 2 पे हूँ, अभी मैं जाऊँगा 3 पे और उसके बाद ऊपर से लिफ्ट देखूँगा, देखो यहाँ से ऐसा कैसे दिखता है। तो अभी जल्दी से चलते हैं ऊपर और वहाँ से लेते हैं लिफ्ट, अब शायद होता है लिफ्ट मिल जाएगा और जाएंगे 9th फ्लोर पे, देखते हैं कैसा 9th फ्लोर। ऊपर आ रहा है 9th फ्लोर, देखो कितना सही लग रहा है यार। और सो मैं बेसिकली यहाँ से दिखाता हूँ ऊपर कैसे दिखता है यहाँ से 9th फ्लोर से सारे चीज़। तो देख लो एक अलग ही वाइब लग रही है भाई यहाँ से, ये देखो 9th फ्लोर से। और इधर देख लो, सो इधर भी बहुत अच्छी लग रही है। तो अभी हम चलते हैं इस साइड में, बेसिकली अभी हम जा रहे हैं यहाँ से दिखाएंगे कि यहाँ 9th फ्लोर से दिखती कैसे है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो चलो चलते हैं। तो देखो 9th फ्लोर है, ऊपर से सारी ऊपर से होता है कि जितनी भी सीढ़ी वगैरह है सब कुछ बंद है। तो जल्दी से चलते हैं, दिखाते हैं तुमको 9th फ्लोर कैसा दिखने में लगता है। एक्चुअली में मुझे नीचे से तो ज़्यादा साफ लग रहा है 9th फ्लोर, और बहुत मस्त लग रहा है यहाँ से, आधा वारंगल दिखता होगा। गाइस वाओ, लुक एट द सीन, दिस इज वारंगल। मैं NIT वारंगल के 1.8K हॉस्टल के 9th फ्लोर पे हूँ, जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है। एंड यहाँ से इतना अच्छा व्यू आ रहा है ना, अगर इतनी मज़ा आ रहा है तो उनको मैं दिखा रहा हूँ कि व्यू कैसा है। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। और ये देखो यहाँ से दो वॉशरूम है, ये वॉशरूम है और ये वॉशरूम का सेक्शन है, यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे वेस्टर्न तो वॉशरूम है, यहाँ पे आके नहा सकते हो। ये भी वॉशरूम है, ये भी वॉशरूम है। और यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे नॉर्थ का होगा वॉशरूम, देखो यहाँ पे वॉशरूम नीचे वाला। तो आपको दोनों तरीके के आपको ये देखने को मिल जाएंगे, तो बहुत अच्छा है। तो चलो आप चलते हैं दूसरे साइड में, देखते हैं दूसरे साइड में कैसा। और क्या हर जगह पर ऐसे लाउंज है ऐसे, तो बहुत सही है यार ये रूम्स वगैरह कुछ ऐसा दिख रहा है। ये ऐसा है कुछ ऊपर भी दिख रहा है पूरा, यहाँ पर सबके कच्चे वच्चे टंगे हुए हैं। तो ये तो बेसिकली दिखता ही है।